द्वापर युग का या यूं कहें इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध, जिसके पहले ना कभी इतना बड़ा युद्ध हुआ था और ना ही कभी होगा, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। और कर्ण महाभारत के एक ऐसे महानायक थे जो कि अधर्म के साथ होते हुए भी धर्म का पाठ सिखा गए, और जिसके दान करने की क्षमता और उनकी वीरता से खुद वासुदेव श्री कृष्ण भी उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। और अगर आज मैं आपसे पूछूं कि महाभारत में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था, तो ज्यादातर लोग कर्ण का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज ये पावरफुल वीडियो दानवीर कर्ण के जीवन के बारे में है। द्वापर युग के समय में यादव डायनेस्टी की राजा सूरसेन की एक पुत्री थी प्रिथा, जिन्हें हम कुंती के नाम से जानते हैं। और एक दिन सूरसेन के राज्य में गुरु दुर्वासा आए, जो कि उस समय में बहुत ही सिद्ध और पावरफुल गुरु थे। तो कुंती के पिता सूरसेन ने अपनी पुत्री से कहा कि आपको गुरु दुर्वासा का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है, और कोई भी परेशानी उन्हें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु दुर्वासा वैसे तो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, लेकिन उनका क्रोध बहुत ही भारी था और उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन था। तो कुंती देवी ने गुरु दुर्वासा की खूब सेवा की और उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने दिया। इस चीज से गुरु दुर्वासा उनसे बहुत प्रसन्न हुए और एक मंत्र वरदान में दे दिया, जिसके उच्चारण से वो जिस देवता के अंश का पुत्र चाहे उसे प्राप्त कर सकती थी। तो एक दिन माता कुंती ने अपने वरदान का प्रयोग ये सोचकर किया कि ये काम करेगा भी या नहीं, और फिर उन्होंने उस मंत्र का उच्चारण सूर्य देव का नाम लेकर किया। तो सूर्य देव उनके सामने आ गए और अपने अंश से उत्पन्न एक अनोखा पुत्र, जिसने सूर्य कवच और कुंडल के साथ जन्म लिया था, उसे माता कुंती को सौंप दिया। लेकिन माता कुंती का विवाह न होने के कारण समाज में बदनामी के डर से उन्होंने अपने कलेजे पे पत्थर रख के उसे खुद से अलग कर दिया, और उस छोटे से बच्चे को एक फूल भरी टोकरी के साथ अश्व नदी में छोड़ दिया। और यहीं से कर्ण की स्ट्रगल भरी जिंदगी की शुरुआत हुई, और वो टोकरी यमुना और गंगा नदी को क्रॉस करते हुए अंग किंगडम, जो कि आज का एशियन बंगाल है, वहां पर सूतों के परिवार आदिरथ नंदन और राधे को यह टोकरी मिली, और उन्होंने कर्ण को अडॉप्ट कर लिया, और राधा ने उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया, जिसके कारण उनका नाम कुंती पुत्र ना होकर राधे पड़ा, और आज भी हम उन्हें राधे पुत्र के नाम से ही जानते हैं। और स्वयं सूर्य देवता का अंश होने के बावजूद भी उनका पालन पोषण किसी राजा के यहाँ नहीं, बल्कि एक शूद्र परिवार में हुआ था, इसलिए हम कर्ण को सबसे अनलकी वॉरियर भी मानते हैं। लेकिन राधा ने भी कर्ण को कभी भी कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उन्हें बहुत प्यार से बड़ा किया। लेकिन कर्ण थे तो क्षत्रिय और वो बचपन से ही धनुष के बड़े प्रेमी थे, उनकी किस्मत में वॉरियर बनना ही लिखा था। लेकिन उस समय लोगों को जाति धर्म और ऊंच नीच की बाधाओं के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी, और उस समय एक ही सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल था, जो कि गुरु द्रोणाचार्य का था। तो एक दिन कर्ण धनुष विद्या की शिक्षा पाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के गुरुकुल पहुंच गए और उन्हें अपना शिष्य बनाने की विनती की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि वो सिर्फ राजघराने के राजाओं को ही शिक्षा देंगे और सूतों को क्षत्रिय शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है, और उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया। उसके बाद कर्ण बहुत ही दुखी और परेशान हो गए, और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने की तीव्र इच्छा लिए वो हर गुरु हर ब्राह्मण के पास पहुंचे, लेकिन सब ने यही बात कहकर मना कर दिया और उनके अरमानों को ठेस पहुंचाकर उन्हें वापस भेज दिया। और फिर कर्ण गए सबसे महान गुरुओं के गुरु स्वयं विष्णु के अवतार परशुराम भगवान के पास, जो कि गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के भी गुरु थे। लेकिन परशुराम भी ब्राह्मण थे, और वो भी सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही शिक्षा देते थे, और कर्ण के मन में ये डाउट था कि अगर इन्हें भी ये पता चल गया कि वो शूद्र हैं तो वो भी शिक्षा देने के लिए मना कर देंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मुझे शिक्षा लेनी है तो या मैं ब्राह्मण नहीं तो क्षत्रिय बन के जाऊं। तो कर्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर परशुराम के पास शिक्षा लेने के लिए पहुंच गए, और उन्होंने स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की, जो कि बहुत ही हाई लेवल की थी, और यही एक बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से कर्ण को हराना इम्पॉसिबल था। अब जब कर्ण की सारी शिक्षा पूरी हो गई, उन्हें दिव्य शस्त्रों का ज्ञान हुआ, तो एक दिन परशुराम और कर्ण दोनों ही साथ बैठे हुए थे और परशुराम को नींद आने लगी। तो कर्ण ने कहा कि आप मेरी गोद को तकिया समझकर अपने सिर को रखकर सो जाइए।
तो परशुराम उनकी गोद में सो गए। और जब वो सो रहे थे तभी एक कीड़ा कर्ण की जांघों में काटने लगा। कर्ण को बहुत तकलीफ हो रही थी पर वो हिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके गुरु की नींद टूट जाए और वो लहू लुहान हो गए। तभी परशुराम की नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कर्ण को खून बह रहा है। तभी वो समझ गए कि इतनी सहनशीलता क्षत्रिय और ब्राह्मण में नहीं हो सकती। तो उन्होंने कर्ण से पूछा, कौन हो तुम? कर्ण ने कहा, मैं शूद्र हूँ। और तभी भगवान परशुराम ने कर्ण से कहा, झूठ से ली हुई शिक्षा कभी भी फलित नहीं होती, और जिस वक्त इस शिक्षा की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी इस शिक्षा को तुम भूल जाओगे। परशुराम के द्वारा दिया हुआ ये कोई श्राप तो नहीं था, बल्कि एक सिद्धांत था जो कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कर्ण के हार की सबसे बड़ी वजह बनी। और कर्ण परशुराम से क्षमा मांग के वहां से चले गए। और दूसरी तरफ पांडवों की भी शिक्षा पूरी हो गई थी और गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में एक बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया ये देखने के लिए कि गुरु द्रोण के शिष्यों में कितनी काबिलियत है। सबसे पहले दुर्योधन, फिर नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर आए, और लास्ट में जब अर्जुन मैदान में आए तो उनके धनुष विद्या को देखकर सब चकित रह गए। उनकी विद्या को देखकर लग रहा था कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से जो वादा किया था कि वो अर्जुन को दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे, वो पूरा हो गया। और गुरु द्रोणाचार्य ने ये आवाहन कर दिया कि पूरे विश्व में अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धारी और कोई नहीं। अब बात विश्व की आ गई। तभी कर्ण को मौका मिल गया उस टूर्नामेंट में उतरने का, क्योंकि जब तक बात कौरवों और पांडवों की थी तब तक तो ठीक था, लेकिन विश्व को चुनौती देने वाले अर्जुन के सामने परशुराम शिष्य कर्ण खड़े हो गए थे। लेकिन तभी कृपाचार्य उठ खड़े हुए और बोले कि तुम इस सभा का हिस्सा नहीं बन सकते क्योंकि तुम शूद्र हो। अब कर्ण परेशानी में पड़ गए, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अगर उनके पास खुद का कोई राज भी होता तो भी वो इस प्रतिस्पर्धा का भाग बन सकते थे। और तभी दुर्योधन ने कर्ण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और उसी समय कर्ण को अंग प्रदेश का राजा घोषित कर दिया, जिससे कर्ण का नाम अंगराज कर्ण पड़ा। इसके बाद अर्जुन और कर्ण के बीच भयंकर कॉम्पिटिशन हुआ। कर्ण ने अर्जुन को करारी टक्कर दी और अर्जुन की हालत खराब होने लगी थी। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि कर्ण को कैसे हारा है, बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। तभी सूरज डूबने का समय हो गया और कंपटीशन को वही रोक दिया गया। इस दिन के बाद कर्ण और अर्जुन एक दूसरे से बहुत जलने लगे और ये कॉम्पिटिशन रियल लाइफ में लागू हो गया। उस दिन कर्ण ने दुर्योधन का पूरे दिल से आभार प्रकट किया और दुर्योधन को उसी समय वचन दे दिया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। और कर्ण और दुर्योधन के बीच घनिष्ठ और सच्ची मित्रता हो गई। फिर कुछ दिनों बाद द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण और अर्जुन दोनों ही शामिल थे, लेकिन प्रथम विजेता कर्ण थे। लेकिन द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी और जब उनको पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र हैं तो उन्होंने उनसे विवाह करने से मना कर दिया और कर्ण की बहुत बेइज्जती की। और फिर कर्ण वहां से चले गए। उसके बाद अर्जुन ने उस स्वयंवर को जीत लिया और यहां एक और बड़ी वजह मिल गई जिससे कर्ण द्रौपदी और अर्जुन दोनों से ही नफरत करने लगे। कर्ण की जिंदगी श्रापों से भरी हुई थी। एक बार जब वो जंगल में शिकार के लिए निकले थे तो उनसे एक गाय की हत्या हो गई जो कि एक ब्राह्मण की थी, और गौ हत्या देखकर उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने इस असहाय जानवर की मृत्यु की है वैसे ही तुम्हारी भी मृत्यु हो गई। और उन्हें धरती माता से भी श्राप मिला था क्योंकि एक बार एक बच्चे की घी की शीशी नीचे गिर गई थी और वो रो रही थी। तभी कर्ण ने अपनी तीर से धरती पे वार करके उनसे घी वापस पा लिया और बच्चे को दे दिया। कर्ण के इस वार से धरती माता को बहुत दर्द हुआ और उन्होंने कर्ण से कहा कि किसी एक की मदद के लिए दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, और जब तुमको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तभी मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी। और यही कारण था कि जब कर्ण अंत में अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का पहिया बार बार धरती में धस जा रहा था।
अब जब युधिष्ठिर को खांडवा प्रदेश दे दिया गया जहाँ की जमीन कुछ बंजर थी, लेकिन पांडवों ने वहाँ पर भी अपने साम्राज्य को एस्टेब्लिश कर लिया और हर चीज की सुविधा अपने राज में बना ली, तो दुर्योधन ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया, क्योंकि वो बचपन से ही उसके मामा शकुनी की बातों से प्रभावित था। लेकिन कर्ण को शकुनी बिल्कुल पसंद नहीं थे, या यूं कहें कर्ण को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन शकुनी नहीं माना और उसने पासे के खेल के लिए युधिष्ठिर को इनवाइट किया, क्योंकि शकुनी के पासे उसकी बात सुनते थे। इसका एक ही रीजन सामने आता है कि शकुनी के पासे उसके पिता के अस्थियों से बने थे। इसके बाद युधिष्ठिर एक एक करके सारी चीजें हारते गए, अपना राज्य, अपना मान, अपनी हर एक चीज वो हार चुके थे और अंत में उन्होंने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर दुर्योधन ने दुशासन को भेजा और उसने द्रौपदी को घसीटते हुए उस भरी सभा में लेके आया जहां उनका चीरहरण करने की कोशिश की गई थी। और इसमें दुशासन, दुर्योधन, यहाँ तक कि कर्ण ने भी बहुत गलत व्यवहार द्रौपदी के साथ किया, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला। कर्ण ने अपने अपमान के बदले में इतना भला बुरा बोल दिया जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और ये एक बड़ी वजह बन जाती है जिससे कर्ण गलत साबित होते हैं। उसके बाद पांडवों का 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा हो जाता है, और अब पांडवों और कौरवों दोनों तरफ से निश्चय हो गया था कि युद्ध तो होना ही है। और इस समय में कर्ण दुर्योधन को दुनिया का राजा बनाने के टास्क में लगा हुआ था। उसने सारे राज्य को जीत लिया था और बहुत पावरफुल बन गया था। उनकी आर्मी बहुत बड़ी हो गई थी। इतनी बड़ी जीत का सिर्फ एक ही कारण था, वो थे कर्ण। अब महाभारत शुरू होने वाली थी और कर्ण के शौर्य को देख के इंद्र भगवान डर गए थे, क्योंकि अर्जुन उनके वंश थे और उन्हें पता था कि कर्ण को इस कवच और कुंडल के साथ मारना असंभव है। तो इंद्र देव ने छल कर रास्ता अपनाया और उन्हें पता था कि जब कर्ण सुबह सूरज को जल चढ़ाते हैं तो उसके बाद उनसे कोई भी कुछ भी मांगे तो वो मना नहीं करते। और इधर कर्ण को सूर्य देव ने पहले ही बता दिया था कि कल तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। कर्ण ने कहा, भगवान मैं तो वही करूंगा जो मुझे करना है। और जब इंद्र बूढ़ी अवस्था में कर्ण के सामने आए और उनसे कवच और कुंडल मांगा, तो कर्ण ने हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल दान में दे दी। उनके दान की कहानी यहाँ रुकी नहीं। युद्ध के एक रात पहले कुंती माता कर्ण के पास आई और भीगी आंखों से वो राज उनसे बताया जिसके बारे में श्री कृष्ण ने पहले ही उन्हें बता दिया था। कर्ण ने कहा, माता अब बहुत देर हो चुकी है, फिर भी आप आई हैं तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। माता कुंती ने कहा, मैंने सुना है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े दानी हो और मैं तुमसे अपने 5 पुत्र का जीवन दान मांगने आई हूँ। तुम युद्ध में मत जाओ जिससे मेरे 5 पुत्र भी जीवित रहें और तुम भी मेरे पास रहो। कर्ण ने माता कुंती को वचन दिया कि आपके हमेशा 5 पुत्र ही रहेंगे, या तो मैं या अर्जुन, बाकी 4 भाइयों को मौका मिलने पर भी मैं नहीं मारूंगा। उसके बाद बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण उन 4 भाइयों के ऊपर भारी पड़ गए थे। फिर जब वो अर्जुन के सामने आए तब बहुत भीषण लड़ाई उन दोनों के बीच हुई। कर्ण के सारथी शल्य थे और अर्जुन के साथी स्वयं वासुदेव कृष्ण। जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 2 फीट पीछे खिसक जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 फीट पीछे खिसक जाता था। अर्जुन ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो कृष्ण से बोले, देख रहे हो वासुदेव, कर्ण बाण चलाता है तो मेरा रथ सिर्फ 2 फीट पीछे जाता है, और मैं जब बाण चलाता हूँ तो उसका रथ 10 फीट पीछे चला जाता है। मतलब वो अपनी बखान कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा, तेरे रथ पर स्वयं मैं हूँ, और ऊपर देखो तुम्हारे रथ पर बजरंग ध्वज यानी हनुमान जी खुद। तब भी कर्ण का वार हमें 2 फीट पीछे कर दे रहा है, तो सोचो कितनी ताकत है कर्ण में। अब युद्ध चरम सीमा पर था और तभी कर्ण अपनी विद्या भूलने लगे। वो बार बार याद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, और तभी उनका रथ भी जमीन में धस गया। और कर्ण ने अर्जुन से कहा, रुको मेरा रथ फंस गया है, उसे निकाल लूं तो फिर लड़ते हैं।
और जब वो अपने धनुष को रथ पर रख कर नीचे उतर के रथ के चक्के को निकालने लगे, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बाण चलाओ पार्थ। अर्जुन बोले, ये तो गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो असहाय है। कृष्ण को पता था कि अभी नहीं तो कर्ण को हराना असंभव हो जाएगा, और फिर उन्होंने अर्जुन को द्रौपदी का अपमान याद दिलाया और कहा, तुम इसके साथ धर्म करोगे जो अधर्म के साथ खड़ा है। तो श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने तीर से कर्ण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। और जब कर्ण जमीन पर पड़े हुए थे तो उस समय भी उन्होंने जिसके लिए जन्म लिया था, दानवीर कर्ण, वो धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा। और श्री कृष्ण जब भिखारी का वेश बनाकर उनके पास आए और बोले, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए, तो कर्ण ने अपने सोने के दांत को पत्थर से तोड़ दिया और उसे दान में दे दिया। कर्ण के बारे में हजारों ऐसी कहानियां हैं जो आपको आज के युग में सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। आज के युग में कर्ण जैसा इंसान शायद ही हो सकता है, लेकिन हम उनके जैसे ना सही पर उनके आदर्शों पर तो जरूर चल सकते हैं। और दानवीर कर्ण की साहस और धर्म से भरी ये शौर्य गाथा देश के हर बच्चे, बूढ़े और यंगस्टर को सुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी नोटिफिकेशन बिल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।